नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने व चांदी का क्या भाव चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोने और चांदी का भाव बताने से पहले आपको बता दें कि साल 2022 का बजट आने वाला है 1 फरवरी 2022 को। सराफा कारोबारियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। अगर सरकार बजट में ज्वेलरी मार्केट के लिए कुछ छूट देती है तो इसका असर सोने और चांदी के भाव पर भी होगा। सोने के गहनों पर 3% GST जो लगाया जाता है उसमें अगर छूट मिलती है, यानी कि सराफा कारोबारियों का कहना है कि उसको 1% तक किया जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि सोने और चांदी की ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। हालांकि ये तो तभी पता चलेगा जब साल 2022 का बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा कि क्या सरकार सराफा कारोबारियों की मांग को पूरा करती है या नहीं। फिलहाल जानते हैं आज का सोने का दाम। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के दाम की, तो चांदी के दाम में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद में चांदी का दाम कुछ इस प्रकार से है। प्रति एक ग्राम का 61.10 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 488.80 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 611 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 6110 रुपये, प्रति किलोग्राम का 61100 रुपये आज का चांदी का दाम चल रहा है। चांदी के दाम में आज 900 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। वही सोने के दाम की बात करें तो 18 कैरेट के अनुसार प्रति 10 ग्राम सोने का दाम 36,848 रुपये पर पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,500 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,000 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 45,000 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,50,000 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम हो चुका है। 22 कैरेट सोने के दाम में 1500 रुपये प्रति 100 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,913 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,304 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 49,130 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,91,300 रुपये 24 कैरेट सोने का दाम हो चुका है। 24 कैरेट सोने के दाम में प्रति 100 ग्राम के अनुसार 1500 रुपये की गिरावट आज आई है। दोस्तों लगातार 3 दिनों से सोने के दाम में गिरावट का दौर जारी है। इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, और इसके विकल्प है नगरम, सभा, ग्रामम या श्रेणी। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है।